फेक गन लाइसेंस को देकर लेकर आपने देखा कि जम्मू में लगातार जो है जम्मू पुलिस की बात करते हैं, वो जो है आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात आपको बता दें कि आज आप देखिए जो ये शॉप में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो है फेक गन लाइसेंस को लेकर जो है पुलिस यहाँ पर रेड कंडक्ट कर रही है, जिसकी FIR और जिसकी कंप्लेन जो है वो सतवारी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 417 फेक गन लाइसेंस जो हैं वो रिकवर किए गए थे, जो करण बाग के ही रहने वाले हैं। और पुलिस ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे चुकी है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां से 417 के करीब जो है फेक गन लाइसेंस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आप देखिए ये उन्हीं शख्स की, जिनका नाम यहाँ पर बताया जा रहा था, उन्हीं की ये शॉप है और आर्मी से प्री मेच्योर रिटायर होने के बाद में उन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया। तकरीबन 13 से 14 साल में उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पुलिस उसका ब्यौरा जो है वो तैयार कर रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास जो पेशे से वो काम करता है उससे ज्यादा संपत्ति होना कहीं ना कहीं ये पुलिस को जो है वो आपको बता दे कि कहीं ना कहीं उस पर मजबूर करता है कि आप जो है उसकी तहकीकात करें। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो गन फेक गन लाइसेंस पकड़े गए हैं उसी को लेकर आप यहाँ पर देखिए कि उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो रेड कंडक्ट की जा रही है। ये शॉप का नाम है जहां पर ये कंडक्ट की जा रही है और जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, आपको बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से फेक गन लाइसेंस के साथ साथ वहां से जो है और भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये उन्हीं की शॉप है। देखिए यहाँ पर जो है वो गन्स वगैरह जो है वो मिलती हैं। आप इसके जो बाहर वॉलपेपर्स हैं उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए पुलिस यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि पुलिस अभी जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है। और रेड कंडक्ट करने के साथ साथ अगर हम पुलिस की बात करते हैं, कुछ भी चीजें पुलिस को यहाँ से मिलती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स होंगे चाहे वो किसी भी तरह का कोई मटेरियल होगा, पुलिस उसे लेकर जो है वो आगे सौंपेगी ताकि यहाँ पर जांच में जो है वो आसानी लाई जा सके। लेकिन जो कंप्लेन जो है वो यहाँ पर सतवारी पुलिस थाने में जो है वो दर्ज है। लेकिन आपको बता दें कि गाड़ीगढ़ की अगर बात करते हैं, गाड़ीगढ़ एरिया के पास ही ये करण बाग की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर पड़ता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखिए कि ये चीजें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर ये जो है आर्मी से प्री मेच्योर जो है वो रिटायरमेंट लेने के बाद वो यहाँ पर आए। और ये भी बताया जा रहा है कि किसी एक बंदे के लिए ये सारी चीजें करना इतनी पॉसिबल नहीं है, इनके साथ कोई ना कोई अधिकारी जो है वो जरूर मिला होगा और उसी के बाद इतने बड़े काम को जो है वो अंजाम दिया जा रहा होगा। फिलहाल ये वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये रेड अभी कंडक्ट हो रही है। और काफी देर अगर तकरीबन कुछ समय पहले ये रेड जो है वो शुरू हुई थी और रेड शुरू होने के साथ साथ आप यहां पर देखिए कि पुलिस यहां पर है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जम्मू में 417 के करीब फेक गन लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं उनका पकड़े जाना, और अभी जिस तरह से इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है उसकी जो है वो यहाँ पर जांच की जाएगी। देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों की बात करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और बड़े पैमाने पर अगर आप तलाशी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि लोगों ने भी ये जानकारी दी थी कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो गाड़ीगढ़ के हार्वर्ड कॉलेज के पास है, वहां पर जो है आपको मिलेंगे। और बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे ही वो रेड वहां पर कंडक्ट होती है तो वहां से कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो भी वहां से मिलते हैं, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 417 फेक गन लाइसेंस मिलते हैं। और फेक गन लाइसेंस मिलने के साथ साथ पुलिस जो हरकत में आती है। और अगर मैं ब्यौरे की बात करूं, काफी सालों से आपको बता दें कि ये काम जो है वो चल रहा था, लेकिन इसके बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है पुलिस जो है वो पूरे सबूतों के साथ यहाँ पर पहुंचती है और काम करने की जो है वो कोशिश करती है। आप फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारे BSF के जवान जो हैं, SSB के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है कि सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो। किसी भी चीज़ की अगर बात करें वो हर एक चीज़ जो है कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि अगर आपको पुलिस बाहर दिख रही है उससे ज़्यादा पुलिस जो है वो अंदर है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो मिरर है आपको इसी से देखना होगा, जितनी पुलिस आपको यहाँ दिख रही है इससे ज़्यादा पुलिस जो है वो अंदर है। और आपने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पर पुलिस ने जो है वो जानकारी भी साझा कर दी है। यानी आज से कुछ दिन पहले जम्मू में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है गाड़ीगढ़ से वहाँ पर 417 फेक गन लाइसेंस जो है मिलते हैं, उसके साथ कुछ रिसिप्ट कुछ अदर मटीरियल भी मिलता है जो पेपर की फॉर्म में रहते हैं, उसे पुलिस कलेक्ट करती है। और पुलिस को ये पता चलता है कि जिसके बारे में हमें काफ़ी दिन से जो चीज़ें हमें मिल रही थी, आसपास के लोग भी हमें कह रहे थे, जब हम उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुँचते हैं वहाँ से लाइसेंस बरामद होते हैं। इसके बाद SP जम्मू की अगर बात करें, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने भी ये बताया
कि जिस तरह से एसपी साउथ की बात करते हैं, उन्होंने भी बताया कि वाकई में जो कहा गया था वो वहां पर पाया गया है, लेकिन उन्होंने ये चीजें भी बताई कि ये यहाँ से यानी आर्मी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद ये इन सब कामों में जो है वो मुलव्वज़ हुए हैं। और आपको बता दें कि यही आज उनकी शॉप है जहां पर ये रेड जो है कंडक्ट की जा रही है, लेकिन इसके साथ कौन इनके साथ मिला हुआ था ये बड़ा सवाल है। इस पर भी कार्रवाई होगी और उनको भी जो है पकड़कर जो है वो जरूर इन पर्दों के बाहर लाया जाएगा कि उनके साथ मिलकर ये काम कर कौन रहा था। जाने से पहले जम्बुलेटन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।